वरिष्ठ भाजपा नेता रोहतक हिसार व सिरसा लोकसभा के क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत 22 जनवरी को करोड़ों देशवासियों का वर्षों पुराना सपना साकार हो रहा है। समस्त देश प्रेमियों की आस्था से जुड़े रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को प्रत्येक व्यक्ति को एक उत्सव के साथ दीपावली के रूप में मनाना है। आज पूरा भारत अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री पर गर्व महसूस कर रहा है। पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह अपने जनसंपर्क अभियान के तहत बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सैयदपुर तथा मुबारकपुर में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। दोनों स्थानों पर पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थकों ने राव नरवीर सिंह का फूल मालाओं, पगड़ी व स्मृति चिन्ह देकर जोरदार अभिनंदन किया। समर्थकों व लोगों का जोश व उत्साह साफ दिख रहा था कि राव नरवीर सिंह के प्रति उनका स्नेह वह समर्थन आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। विशेषकर नारी शक्ति ने राव नरवीर सिंह को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया। अपने संबोधन में तीन लोकसभा क्षेत्रों के क्लस्टर प्रभारी राव नरवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व में भी देश के अनेकों प्रधानमंत्री हुए, लेकिन हिंदुस्तान को जो रुतबा और पराक्रम नरेंद्र मोदी ने दिलाया है उसका कोई सानी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाने, तीन तलाक समाप्त करने जैसे ऐतिहासिक कार्य करने के बाद तक का सबसे बड़ा राम मंदिर निर्माण कराकर सभी देशवासियों का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तीन लोकसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाकर उन्हें नहीं अपितु बादशाहपुर की जनता को सम्मान देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अगर राव नरवीर सिंह मजबूत होगा तो बादशाहपुर की जनता भी मजबूत होगी। पिछली योजनाओं में भाजपा सरकार ने उन्हें मंत्री बनाकर गुरुग्राम जिले को एक बड़ा सम्मान देने का काम किया था। उन्होंने भी गुरुग्राम जिले के साथ साथ बादशाहपुर क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी। जो कोई भी उनके पास सार्वजनिक कार्यों के लिए पहुंचा उसे पूरा कराने का कार्य किया गया। यही कारण है कि क्षेत्र की जनता का प्यार और समर्थन उन्हें लगातार मिल रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए पूरे हरियाणा में समान विकास कार्य कराने का काम किया है। भाजपा से पूर्व प्रदेश में जो भी सरकार बनी उसने केवल अपने क्षेत्र को चमकाने का काम किया, लेकिन भाजपा ने बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता से पूरे हरियाणा के सभी जिलों का विकास बराबरी के साथ किया है। यही कारण है कि प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि 22 जनवरी का दिन हम सभी को हमारे लिए ऐतिहासिक है, इसे उत्सव और सभी को अपने घर व आसपास मंदिरों में दीपावली की तर्ज पर मनाना है। मान सम्मान दिए इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सार्वजनिक तौर पे मैं शायद 4-5 साल के बाद आपके गांव में आड़ा हुआ है। साथियों, 2014 में आपके समर्थन, आपके सहयोग से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और देश में 1952 से चुनाव चालू हुए, लेकिन जो विकास की रफ्तार 2014 से बढ़ी वो उससे पहले उतना विकास देश का नहीं हो पाया था। और देश का सम्मान अकेले देश में नहीं, विदेशों में भी हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा। ये इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कह रहा हूं ये आम जनता का आदमी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से विचार रखता हो चाहे उसके खिलाफ हो, लेकिन ये दिल से यदि आवाज करेंगे तो ये यूं जरूर कहेंगे कि हिंदुस्तान की इज्जत दूसरे देशों में भी मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद बहुत बढ़ी है। आज भारत आर्थिक प्रगति पर है, भारत का हर तबका तरक्की पर है। दुनिया में कहीं भी कोई लड़ाई हो जाए तो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी चाहें तो ये समझौता हो सकता है। ये 140 करोड़ लोगों की आपकी ताकत है जो आज इतना मजबूत भारतवर्ष हो रहा है। 2014 में ही विधानसभा के चुनाव हुए और मुझे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। जब मैं चुनाव जीत के जा रहा था डीएसडी कॉलेज से तो मैंने अपने मन में एक प्रतिज्ञा करी कि जब मैं पहले एमएलए बनता था तो मैं लोगों के खिलाफ बहुत रहता था जो खिलाफ होते थे, लेकिन मैंने मन बनाया कि नहीं यार, कभी कभी मौका मिलता है, इसी ना करा रहा हूं तो यार हम काम करें, खिलाफत की राजनीति क्यों करें। तो मैंने मन में प्रतिज्ञा करी कि अब कभी बुरा किसी का नहीं करेंगे, भला चाहे जितना हो जाए उतना करो। और भाई मैंने कोशिश करी, ये सही भाई धर्मपाल जी ने कहा कि दादा नंकर और जितने भी सरपंच थे जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरे ये तकरीबन खिलाफ थे। और जब मैं मिनिस्टर था, पंचायत के चुनाव ये लोग सरपंच बने, मैंने कहा भाई गांव ने चुन के भेजा है, जैसे लोगों ने मुझे हल्के से चुन के भेजा था ऐसे गांव ने इनको चुन के भेजा, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि भाई मैं इनके विकास के काम करूं। और मैं
क्लैरिटी से कह सकता हूँ, कोई सरपंच पीछे से भी नहीं, आज मेरे मंच पे कह रहे, यदि कोई सरपंच जो मेरे टाइम में था वो यूं कहे कि भाई हमारा ये काम इस नरवीर सिंह ने नहीं किया तो मैं मेरी वोट मत देना, एक भी आदमी ये कहेगा कि मैंने ये काम भाई मैं गया था पंचायत के तौर पर ये नहीं हुआ। तो विधायक का एमएलए का काम तो ये तो सार्वजनिक तौर पर काम हो वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा गुड़गांव जिला हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है, पहले तो 50% देता था, अब तो 62% के आसपास पैसे देता है। और जब भी कोई सत्ता बढ़ती है तो हर आदमी चाहे सत्ता में चाहे विपक्ष में यूं कहता है सरकार हम बढ़ाते हैं और फिर काम पर ले जिलों पहुंचते हैं, सभी कहते थे ना। लेकिन 2014 की सरकार बनने के बाद आप लोगों को पहली बार महसूस हुआ होगा कि भाई सरकार हमारी है और ये हमने दर्शाया कि गुड़गांव में विकास के काम कैसे होते हैं। सारे हरियाणा में पहले 12 फुट की सड़कें होती थी, तो मैंने पहले कदम से रजिस्ट्रेशन किया कि कोई सड़क या नई बने या पुरानी रिपेयर करनी हो तो कम से कम 18 फुट की जरूर बनेगा, सारी सड़कें 18 फुट की। और मेरे कई एक्सीडेंट होते हैं, धुंध पड़ती है रात को दिखता नहीं, तो सब में ये 3 पट्टी जरूर लगाओ, तो वो कंपलसरी किया कि पहले तो 1-2 जिलों में लगती थी, मैंने कहा नहीं ये सबसे पहले हमारे जिले में लगी थी, सारे हरियाणा में कंपलसरी करो, जहाँ करोड़ों रुपए लगते सड़क पे वहाँ 5-4 लाख रुपए इसके भी लगाओ कि सेफ्टी जरूरी है, इसलिए सब सड़कों पर 3 पट्टी लगाई। गुड़गांव में यूनिवर्सिटी, गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज, सारे अंडर पास यूनिवर्सिटी जो कुछ कर सकते थे हमने करने की कोशिश करी। और मैं याद कहता हूँ उनसे कि मुख्यमंत्री जी ने भी कभी गुनाह नहीं किया, और भाई मिनिस्टर तो मैं पहले भी रहा हूँ, लेकिन बिना मुख्यमंत्री के राजी किए हुए कोई मिनिस्टर काम नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री का नरवीर सिंह पे भरोसा था, मैं जो काम कह देता था मेरा काम कभी नहीं रुका। मुझे याद है कि ये फरुखनगर वाले गए कि हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी अब उठने लगे, तो मैंने कहा माँ उसमें फरुखनगर का हमारा मेरा हल्के का वो है ब्लॉक है उसमें कॉलेज नहीं, बोल रहा था कॉलेज नहीं, उन्हें विनय प्रताप को बुलाया, डीसी थे विनय प्रताप जी, उसे कान में कही कि फरुखनगर में कोई कॉलेज नहीं, बोल रही है तो बताओ सब बन जाएगा हो सब। हाँ तो उन्होंने उसकी घोषणा करी, उसका ये ठीक है कि मेरा उसमें 1.5 साल लगे वो जमीन ट्रांसफर करने में बहुत टाइम, लेकिन वहां भी आज कॉलेज बन के क्लासे लग रही है। तो विकास के जो काम हो सकते थे भाई, मैं उजाट का गांव में जाके कहूं भाई मैं अहीर के घर में पैदा हूं, जो मेरा कसूर है क्या, ये तो परमात्मा ने जन्म दे दिया भाई। एमएलए एमपी तो भाई सबका हुआ, मैं काम ना करूं तो किए जात रखिए बिरादरी ने, मैं काम सबका करूं कोई बिरादरी ना, तो भाई मेरे में धर्मपाल बैठा और बैठे और सरपंच बैठे, कोई काम में कसर छोड़ दी तो मेरी वोट दे रहा, लेकिन मेरी मेरी सबसे प्रार्थना है कि भाई जात बिरादरी तो वोट मत दियो, वोट दियो काम पे। अरे इतनी माताएं बुजुर्ग बैठे, मैं सबको नमन करता हूँ और भाई उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आपका समर्थन, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद और आपका प्यार मिलेगा। और एक हाथ जोड़ के प्रार्थना हो रहे, वे बरसों से हम एक तपस्या कर रहे थे, हमारे पूर्वज भी चले गए कि भाई राम मंदिर की स्थापना होगी, लेकिन नहीं हो पाई। आज ये हमारा सौभाग्य इस जन्म में कि हम राम मंदिर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि 22 तारीख को इसको त्योहार दिवाली की तरह मनाओ, हर आदमी घर में दिए जाए, जो कुछ आप खुशी मना सकते हैं जैसे हम दिवाली को मनाते हैं, वैसे इस 22 जनवरी को ऐसा ही आप त्योहार मनाओ। आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठा हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।